दुर्व्यवहार को लेकर यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार। सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद दोबारा लौटे काम पे। पुलिस द्वारा शिक्षकों पर किए गए दुर्व्यवहार को लेकर शिक्षक एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी के नेतृत्व में शिक्षकों ने किया जिलाधिकारी से मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी विजेंद्र पंड्यन ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिए निर्देश। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने राजघाट पुल के पास पूर्वांचल का पहला निशान के शोरूम का किया उद्घाटन। पूर्व मंत्री एवं विधायक फतेह बहादुर सिंह और पूर्व मेयर पवन बथवाल सहित कई दिग्गज उद्घाटन में हुए शामिल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तैयारी बैठक। 23 मार्च तक जोड़ों की सूची उपलब्ध कराने का दिया गया निर्देश। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की फरियाद। एसएसपी शलभ माथुर ने कार्यालय में सुनी फरियादियों की फरियाद, कहा अब थानों पर ही होगा समस्याओं का समाधान। यूपी रोडवेज इंप्लाइज यूनियन की बैठक हुई संपन्न। अपनी मांगों को लेकर 11 अप्रैल को प्रदेश व्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए बनाई गई रणनीति। बांसगांव बीडीओ के निलंबन की मांग को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी संघ के सदस्यों ने विकास भवन परिसर में दिया धरना। सीडीओ के आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर लौटे वापस। कई संस्थाओं द्वारा आयोजित हुई वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की श्रद्धांजलि सभा। वक्ताओं ने स्वर्गीय सिंह के जीवन संघर्ष और उनके साहित्य पर डाला प्रकाश। कैन थाना क्षेत्र के बेतिहाता स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क के सामने बाइक चोरी करते पकड़ा गया एक युवक, लोगों ने जमकर की पिटाई। नगर निगम के टैक्स विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में लोगों ने जमा किए गृह कर और जल कर। मंडली सूचना कार्यालय में तैनात प्रशांत कुमार श्रीवास्तव बनाए गए संत कबीर नगर के जिला सूचना अधिकारी। निजीकरण के विरोध में जोन के सभी विद्युत संगठन पदाधिकारियों और कर्मचारी हुए एकजुट, किया जोरदार प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन का नगर निगम पार्क परिसर में धरना प्रदर्शन। राज्य आमंत्रण महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स कॉलेज ए ने स्पोर्ट्स कॉलेज बी की टीम को हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में रॉयल उद्यान क्रिकेट एकेडमी ने डोना क्रिकेट एकेडमी को 5 विकेटों से हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह।